हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला पनीर टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार बना है और इसका ग्रेवी बहुत ही रिच बना है। खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही आएगा। तो आप मेरे तरीके से इसे एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। यकीन माने, आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार दिल करेगा इसे बनाने को। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो ये हेल्दी, हाइजेनिक और रेस्टोरेंट से बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस आसान सी मसाले पनीर टिक्का की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए घंटी को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टिक्का बनाकर तैयार करेंगे। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से प्याले में आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अभी इसके ऊपर दो बड़ा चम्मच गर्मा गर्म सरसों का तेल डालेंगे और इसे फटाफट से मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे दो से तीन बड़ा चम्मच बिल्कुल भरकर दही। मैं यहाँ पे घर का दही इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये बिल्कुल गाढ़ा है और बहुत ही फ्रेश है। अगर आप मार्केट से लाते हैं तो ताज़ा दही का इस्तेमाल करें और उसे लाकर एक घंटा के लिए छन्नी में रख दें ताकि उसमें का जो भी पानी है वो निकल जाए। अब डालेंगे भुना हुआ जीरा आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर। ये हमारा होममेड मसाला है। इसका वीडियो अगर आप सभी को चाहिए तो ऊपर में आई बटन आएगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच बेसन और आधा नींबू लेंगे। इसे अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। ध्यान रखें, अगर दही आपकी खट्टी है तो नींबू का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो टिक्का बहुत ही खट्टा हो जाएगा। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मसाला मिक्स हो चुका है लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी। इसमें एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे भी अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, सारे मसाले को अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बाद में ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसके बाद दो प्याज को स्क्वायर शेप में कुछ इस तरह से कट करके डालेंगे। दो टमाटर, इसे भी मैं स्क्वायर शेप में काट ली हूँ। इसका पल्प मैं निकाल ली हूँ, इसे जरूर निकालें, नहीं तो ये टिक्का में पानी छोड़ देगा और अच्छा नहीं बनेगा। अब डालेंगे पीला शिमला मिर्च एक पीस, इसे भी मैं स्क्वायर शेप में काटी हूँ। एक पीस ही हरा शिमला मिर्च है, इसे भी स्क्वायर शेप में काटी हूँ। अब इसमें डालेंगे क्यूब में कट किया हुआ पनीर 250 ग्राम। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब सबको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये पनीर मैं खुद घर पे बनाई हूँ। अगर आप सभी को परफेक्ट पनीर की रेसिपी चाहिए तो उसे मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हर पीस पे अच्छी तरह से मसाला का कोटिंग हो चुका है। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। पनीर को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद मैं इसे हल्का सा फिर से ऊपर नीचे कर दूंगी कुछ इस तरह से। अब हम लोग इसका टिक्का तैयार करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से वुडन स्टिक ली हूँ। इसमें से एक लेंगे और इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर और सब्जी को एक एक करके पिरो लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पनीर, हरा शिमला मिर्च, प्याज, पीला शिमला मिर्च, टमाटर, फिर से पनीर लगाएंगे, शिमला मिर्च, प्याज और पनीर लगाकर कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं एक स्टिक में मैं लगाकर तैयार कर चुकी हूँ। इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बात करते करते मैं कुछ टिक्का को बनाकर तैयार कर ली हूँ, तो चलिए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए एक तवे पे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल के इसे अच्छी तरह चारों तरफ फैला देंगे और तेल को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही इसके बाद इस पे एक एक करके सारे स्टिक को रख देंगे और इसे एक साइड से हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब ये एक साइड से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसका साइड चेंज कर देंगे। इसे फ्राई करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बस इसे थोड़ा ध्यान से फ्राई करना होता है ताकि ये जले नहीं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों तरफ से टिक्का अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसका कलर कितना अच्छा आया है और पनीर भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। पनीर के साथ साथ इसमें जितनी भी सब्जियाँ लगी हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अभी इसे तावे पे से फटाफट से निकाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कट किया हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठा या फिर और भी किसी भी चीज के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए जो बचा हुआ है उसका मैं बिना स्टिक का बनाकर दिखा देती हूँ। तो फिर से मैं उसी तावे का इस्तेमाल करूँगी लेकिन मैं इसे क्लीन कर चुकी हूँ। इस पे एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और इसे चारों तरफ कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही हम लोग मैरिनेट किया हुआ पनीर और सब्जी को कुछ इस तरह से डालेंगे और हल्का सा एक साइड से फ्राई होने देंगे। एक साइड से फ्राई होने के बाद हम लोग सबको एक एक करके इसका साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा मैं हैंड वॉश करने चली गई थी तो ये एक साइड से ज्यादा ही फ्राई हो गया है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें। इसे फ्राई करते वक्त यहीं पर रहें और इसे ध्यान से फ्राई करें। इसी तरह से हम लोग चारों तरफ से इसका साइड चेंज करते हुए फ्राई कर लेंगे। अब ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, हम लोग इसे निकाल लेंगे। आपने देखा दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे भी एक साइड में रखते हैं और इसके लिए मसाला की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक तावे पे 5 पीस लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालकर सबको मिक्स करेंगे। अब इसके फ्लेम को ऑन करके इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अभी इसके फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे मिक्सर जार में रखेंगे। अभी इसे पीसना नहीं है, इसके साथ साथ और भी मसाला डालकर उसके बाद पीसेंगे, तो इसे हम लोग साइड में रखते हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे। तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज जिसे मैं मोटे मोटे पीस में कुछ इस तरह से काट ली हूँ। अब इसे हाई फ्लेम पे थोड़े थोड़े देर पे चलाते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे 2 मिनट फ्राई करने के बाद से ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, बस हम लोगों को इतना ही चाहिए। इसी वक्त हम लोग इसमें डालेंगे 1 पीस लहसुन का पोटी है, इसका छिलका निकाल दी हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पे ली हूँ 1 इंच अदरक, इसे मैं कुछ इस तरह से काट ली हूँ। सबको हम लोग डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 7 से 8 पीस काजू, इससे मसाला बहुत ही रिच बनेगा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सबको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज के साथ साथ काजू और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसे फ्राई करते हुए 1.5 मिनट हो चुका है। इसी स्टेज पे हम लोग डालेंगे यहाँ पे 1 बड़े साइज का टमाटर जिसे मैं मोटा मोटा काट ली हूँ और अब इसमें डालेंगे जो टिक्का में डाले थे टमाटर, इसका पल्प निकाल के रखे हैं उसे डाल देंगे। इसके बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसे मैं थोड़े थोड़े देर पे चलाती रहूंगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है और टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसे हम लोगों को ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम लोग इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसे मिक्सर जार में डालेंगे। यहाँ पे मैं पहले से जो मिर्चा वगैरह रोस्ट करके रखी थी मिक्सर में, उसी के साथ हम लोग इसे भी डाल देंगे। इसे बनाने में थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा सा इसका स्टेप ज्यादा है, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, आप मेरे सारे स्टेप को फॉलो करें और वीडियो को आखिरी तक देखें। अब इसी के साथ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर डालेंगे।
इसे हम लोग ब्लेंड करके एक साइड में रख लेंगे। इसके बाद मैं आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। एक कढ़ाई लेंगे, इसके फ्लेम को ऑन करके इसमें 3 से 4 सर्विंग स्पून हम लोग सरसों का तेल डालेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे हम लोग गरम करेंगे। तेल गरम होते ही इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे, हल्का सा इसे चटकने देंगे। अब इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये वही प्याज है जो टिक्का में स्क्वायर शेप में डाली हूँ, उसमें बहुत सारा वेस्ट कटिंग बच जाता है और लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बारीक काट कर इस वक्त इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप भी इसे फेंके ना, इस वक्त इस्तेमाल कर ले। अब प्याज यहाँ पे हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है, इसे कढ़ाई में हम लोग कुछ इस तरह से एक साइड कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे साइड में कुछ इस तरह से तेल इकट्ठा हो जाएगा। तो अब हम लोग इस तेल में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद तेल में इसे 4 से 5 सेकंड के लिए कुछ इस तरह से चला लेंगे। अब प्याज के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे करना बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे हम लोग सिर्फ कलर के लिए ऐसे करते हैं। इसके बाद फटाफट से हम लोग टिक्का में जो मसाला बचा हुआ था उसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे। इसे भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे ब्लेंड किया हुआ मसाला। यहाँ पे अभी मिक्सर में मसाला बच चुका है, तो इसे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें भी पानी डाल के इसे इसमें डाल देंगे। अब हम लोग मसाले को फटाफट से मिक्स कर देंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगा। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सारे मसाले को हम लोग चलाते हुए भूनेंगे, जब तक मसाला अच्छी तरह से भून ना जाए। आप देख सकते हैं मसाला जैसे जैसे भून रहा है इसमें तेल छोड़ना शुरू हो चुका है। मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। यहाँ पे मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। इसके बाद इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पानी आप अपने मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना पतला इसका ग्रेवी रखना है उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसका पतला ग्रेवी नहीं होता है, इसका थिक ग्रेवी होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ तो मसाले में बहुत ही जल्दी से उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम लोग इसमें फ्राई किया हुआ टिक्का डाल देंगे। अब हम लोग इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे पनीर है ना, तो थोड़ा सावधानी से इसे मिक्स करें। इस वक्त आपको देखकर पता चलता ही होगा कि ये कितना टेस्टी बनने वाला है। अब इसके बाद इसे कवर करके लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में मैं इसे 1 से 2 बार खोलकर चला लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक भी जाए और नीचे से जले भी नहीं। इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये बिल्कुल तेल को छोड़ दिया है। इसी वक्त हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसे हम लोग कुछ इस तरह से हाथों से रब करते हुए डालेंगे। इसी के साथ इसका और भी स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ धनिया का पत्ती डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मसाला पनीर टिक्का इसका नाम ऐसे ही नहीं है, ये मसाला से बिल्कुल भरपूर होता है और इसका कलर और टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट का जैसा आपको लगेगा। तो आप मेरे तरीके से इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपका मसाला पनीर टिक्का कैसा बना। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो या फिर रेसिपी बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। साथ ही जाते आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।